जबलपुर के चर्चित हनी ट्रैप मामले में जिला अदालत ने दुराचार का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालती आदेश के बाद ओमती थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल शहर के नर्मदा रोड निवासी एक व्यापारी ने जिला अदालत में परिवाद दायर कर बताया कि उसकी एक महिला के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 22 मार्च 2022 को अनावेदक महिला परिवादी की दुकान आई और हंगामा मचाने लगी। महिला ने दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और 15 लाख रुपए की मांग की। इस बीच महिला की ओर से गोरखपुर थाने में आवेदक के खिलाफ दुराचार का प्रकरण दर्ज करा दिया गया। कोर्ट में दायर परिवाद में आवेदक ने दलील दी है कि महिला उसकी तरह अन्य युवकों के साथ भी ऐसा कर चुकी है। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया इस मामले को संज्ञेय अपराध मानकर पुलिस को जांच करने के निर्देश दिए हैं। माननीय न्यायालय से हमें एक आदेश प्राप्त हुआ 156(3) के तहत, तो हमने एक युवती के खिलाफ 386, 389, 452 और 427 का एक प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है। अब युवती के बारे में तो अभी विवेचना के दौरान आएगा। इस युवती के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, माननीय न्यायालय ने आदेश किया है तो हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है। अब इस संबंध में तो नहीं कुछ कह पाऊंगा मैं, तो क्योंकि विवेचना का ही तथ्य है और जैसी विवेचना के तथ्य आएंगे फिर आपको अवगत कराया जाएगा।